एवरी चैम्पियन वॉज वंस अ कंटेंडर दैट डिडंट गिव अप। नाकामयाबी हतमी होती है और ना नाकामी, बल्कि असल चीज़ कोशिश जारी रखने का नाम है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा था, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो वाह हो नहीं सकता। मुसलसल जिदोजहद लगन जोशो जज्बे का नाम है। इस ज़िमन में हमें हिम्मत इस्तकामत से काम लेना होता है। सब्र इस्तकामत और मेहनत कामयाबी के लिए सिफात का एक नाकाबिले शिकस्त मजमुआ है, एक चूंटी है। अगर आप इसका रास्ता रोक देंगे तो वो आपका इंतज़ार हरगिज़ नहीं करेगी, बल्कि अपने लिए खुद रास्ता बनाएगी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेगी। बेशक मरना उसका मुकद्दर ही क्यों ना हो, लेकिन वो लड़खड़ाएगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान अपना मकसद पाने के लिए मुसलसल तगोदो करता है, अपनी शिकस्तों रेख्त से नहीं घबराता। अगर वो हार भी जाए तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैदान ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम, घर पाँव टूट जाएं यहाँ घुटनों के बल चलो। कामयाबी और नाकामी तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, इंसान अगर हारेगा नहीं तो वो जीतेगा कैसे। कामयाबी चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह हर परिंदे के लिए खुदा ताला ने रिस्क तो रखा है, लेकिन उसके घोंसले में नहीं, उसे भी अपना पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खर्च नाकामियों से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। अगर हम इन नाकामियों से मायूस होकर बैठ जाएं, तो फ़क्त परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अपनी गलतियों को, नाकामियों को कमज़ोरियां बनाएंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं पा सकेंगे। इसलिए उठो और मज़बूत बनो, अपने लिए कामयाबियां समेटो। अपनी नाकामियों को कमज़ोरियां मत बनाएं, बल्कि खूबी बनाएं। जब मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।